सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को तहसील दिवस के रूप में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया जाता है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूदगी में सभी फरियादियों की फरियाद को संबंधित अधिकारी के द्वारा निस्तारण किया जाता है। जिसको लेकर आज विकासखंड परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें कुल 28 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। वहीं सर्दी का असर तहसील दिवस पर भी दिखाई दिया। सभी अधिकारी धूप में कुर्सी डालकर बैठे हुए नजर आए। मीडिया टीम ने बात करते हुए SDM गोवर्धन ने बताया कि टोटल 28 शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज कराई गई हैं, जिसमें से एक निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, बाकी को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। यह शिकायतें विद्युत, राजस्व, पुलिस इत्यादि विभागों से संबंधित पाई गई हैं। जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, आज जैसे कि संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, टोटल कितनी शिकायतें पाई गई हैं और किससे रिलेटेड पाई गई हैं? आज कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई है, तो सभी राजस्व से संबंधित भी है, सिंचाई से है, PWD की भी है, कुछ विद्युत विभाग की भी है, और एक शिकायत का मौके पर निस्तारण भी किया गया। सर, एक शिकायत आई है, एक घर खरीदा गया है जिसपे की विद्युत बकाया चल रहा था, मगर वो दरदर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है महिला, और उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। विद्युत बकाया अगर चल रहा था तो उनको खुद देखना था, ये विद्युत बकाया तो उसके बाद जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक नया कनेक्शन नहीं हो पाता, ये एक्ट के अनुसार। सर, वहाँ पे नोटिस वगैरह इस टाइप का लगाना चाहिए था विद्युत विभाग? ये विद्युत विभाग से जानकारी करिएगा, मुझे पूरे पता नहीं।